हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर 500 साल अपना खून बहाया है। कुर्बानी देने वाले लोग इतने हैं कि उंगलियों पर गिन नहीं सकते। इस धरती के दावेदार हम हैं। इस दावे से हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। ना इंदिरा हटा सकी थी और ना ही मोदी या अमित शाह हटा सकता है। दुनिया भर की फौजें आ जाएं, हम मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। ये बयान खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस और देश की तमाम खुफिया एजेंसियां जुटी हैं। वहीं पुलिस के खौफ से अमृतपाल भागा भागा फिर रहा है। पंजाब में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं, अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है और कई जगह इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कौन है ये अमृतपाल, क्यों की जा रही है इसकी गिरफ्तारी की कोशिश, बताते हैं आपको। दरअसल अमृतसर की बाबा बकाला तहसील के जुल्लूपुर खेरा गांव का रहने वाला अमृतपाल दुबई में ट्रक ड्राइवर था और 2021 में पंजाब लौटा। दिल्ली लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत के बाद उसे 2022 में वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख बना दिया गया। नहीं, चुप तो नहीं कह सकते, चोर पुलिस का गेम हैगा, सम टाइम उन भजन से कामयाब हो जाते, बट अल्टीमेटली असि बहुत जल्दी उन्होंने। अमृतपाल ने सिखों को आक्रामक बनाने के मकसद से उसने निहंग सिख के लिए प्रचार अभियान शुरू किया। सिखों का ये विशेष समूह योद्धाओं के रूप में माना जाता है। खालिस्तान का समर्थन करने के चलते भारत सरकार ने अमृतपाल के सोशल मीडिया अकाउंट प्रतिबंधित कर रखे हैं। अमृतपाल सिंह 23 फरवरी 2023 को अमृतसर के अजनाला थाने पर अपने समर्थकों की भीड़ के साथ हमला करने के बाद पूरे देश में पहचाने जाने लगा। पुलिस ने उसके एक साथी तूफान सिंह को गिरफ्तार किया था। अमृतपाल तूफान को निर्दोष बताते हुए हजारों समर्थकों के साथ थाने पर पहुंच गया और पुलिस को 24 घंटे में अपने साथी को छोड़ने की धमकी दी। अमृतपाल इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह को भी धमकी दे चुका है। पंजाब में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर सरकार की नजर के बयान पर अमृतपाल ने धमकी दी कि इंदिरा गांधी का जो हश्र हुआ था वही अमित शाह का हो सकता है। अमृतपाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुद को भारतीय मानने से भी इनकार किया था। बहरहाल बड़ी बड़ी डींगे हांकने वाला अमृतपाल पुलिस से बचने के लिए अब दर दर भटक रहा है। दूसरी ओर पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि अब अमृतपाल उसके शिकंजे से बच नहीं पाएगा। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।